ये धुआंधार वाटरफॉल जबलपुर के भेड़ाघाट में है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको जबलपुर से लगभग 26 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा। आप यहाँ पर ऑटो या बस की मदद से पहुँच सकते हैं। जबलपुर से भेड़ाघाट के लिए हर 15 मिनट में बस चलती है। ये बस सर्विस आपको सुबह 6 बजे से रात में 8 बजे तक मिलती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान करें, क्योंकि अगर आप उसके बाद लेट जाना चाहेंगे तो यहाँ पर जो ऑटो वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट डिमांड करते हैं आपसे। धुआंधार वाटरफॉल की तरफ आप जब जाते हैं तो रास्ते में आपको बहुत सारी दुकानें मिलती है। आपको अगर हम ये इलाके दें तो कितने में लोगे आप? आप बता दीजिए कितने में लोगे आप, कितने में लोगे हमसे? आप हमें कितने में दे देंगे आप, इतना बता दीजिए। ये वाला मैं आपको 2000 में दे दूंगा। 2000 में आप हमसे ले लीजिए। 3500 से आप सीधे 2000 में हो गए। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या करूँ सर आप। ये बॉक्स है, इसमें ज्वेलरी बॉक्स बना ली थी, मंदिर के लिए मंजू बिलवाड़े का, मैं नागौर का, मोटर जबलपुर हूँ। जबलपुर कैसे बात करे। वैसे जो धुआंधार वर्ड होता है उसका मतलब होता है धुआं, मतलब स्मोक, और धार का मतलब होता है फ्लो। रियली में इस वाटरफॉल को जब आप नज़दीक से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये धुआं ही है, और इसका फ्लो बहुत तेज़ होता है। मानसून के समय में यहाँ पर जो पानी का फ्लो होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, साथ ही ये जो वाटर लेवल होता है इस नदी का वो भी बढ़ जाता है। ये जो पानी गिरता है वो लगभग 30 मीटर की ऊँचाई से गिरता है, इसलिए इसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है। यहाँ पर वर्ल्ड फेमस मार्बल रॉक्स है। यहाँ के लोग बताते हैं कि इस वाटरफॉल को देखने का सबसे बेहतरीन टाइम होता है वो नर्मदा महोत्सव के टाइम पूर्णिमा की रात को होता है। इसी समय में चांद की चांदनी से ये जो मार्बल रॉक्स है वो भी बहुत बेहतरीन चमकती है। जय हो शिव शंभु। यार ये सब चीजें पत्थर उतर नहीं थे पहले यार, अब डाले गए ये सब पत्थर। ये बाटा बोले यार। हाँ यहाँ पर मार्बल के पत्थर पर आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। बहुत सारी बेहतरीन डिजाइन के यहाँ पे आइटम्स बनते हैं, उनको आप खरीद करके यहाँ से इस धुआंधार वाटरफॉल की निशानी के रूप में अपने साथ में लेके जा सकते हैं।
इनमें से बहुत सारी दुकानें जो है केवल मूर्ति से संबंधित है। यहाँ के लोग मूर्तियाँ बहुत बनाते हैं और यहाँ की मूर्तियाँ दूर दूर तक सप्लाई की जाती है। ये मूर्तियाँ मोस्टली यहाँ के लोकल पत्थर से बनती है, साथ ही मार्बल की, जो यहाँ के मार्बल रॉक्स है उन रॉक्स से जो पत्थर निकलते हैं उनकी भी मूर्तियाँ यहाँ पर बना करके लोग भेजते हैं। भेड़ाघाट जो धुआंधार फॉल्स है उसके ऊपर से होकर के दूसरी साइड एक गोपाला होटल है वहाँ पर जाएंगे। यदि आप इस वाटरफॉल को ऊपर से देखना चाहते हैं तो आप इस केबल कार में ज़रूर बैठें, क्योंकि ये केबल कार इस नदी के इस किनारे से वो जो दूसरी साइड का किनारा है वहाँ पर आपको लेकर जाती है। टोटल आने और जाने का 95 रुपीज़ है यहाँ पे चार्ज एक बंदे का। पहले यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं आती थी, लेकिन अभी गाड़ियाँ भी आने लग गई यहाँ पर, और ये जो ट्रैक है वो भी नया बन गया है। इस वाटरफॉल का जो ये ऊपर से जो दृश्य होता है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा दिखाई देता है वाटरफॉल यहाँ से। वेलकम टू न्यू भेड़ाघाट। ओके, मैं आपको 1-3 फोर्ट मिलते हैं घूमने के। पहला है आपका गुप्त धारा रेड और पिंक मार्बल्स मिलेगा देखने के लिए। ओके, दूसरा है भारत का नक्शा नेशनल पानी और मार्बल की कटिंग से बनता हुआ। ये तो उस नौका विहार से लेके आते हैं ना, ये दो कौन टूटे अपने बिना फूट वाले साहब। दूसरे आपका आता है बंदरगुनी फोर्ट, तो अपन यहाँ से दोनों साइड पर आस पास देख रहे हैं। यहाँ से बंदरगुनी तक जाओगे आप? हाँ। ओके, 1-3 फोर्ट मिलेंगे अपन को देखने के लिए। चार्जेस क्या रहेंगे? 550 रुपीस चार्ज होता है एक गाड़ी का, आना जाना और पूरा गाइड है। बिल्कुल गर्मी का आवाज़ नहीं हो रहा, ठंडी ठंडी बूंदे आ रही है। उस साइड में थे कल, हम उस साइड में थे, अभी हम इस साइड में हैं, तो ऑल व्यू क्लियर्ड है। तो उधर से कैसा दिख रहा है या फिर उधर से कैसा दिख रहा है, और उस साइड में भी बाद में चलेंगे। We have another opportunity to take bath here. नहाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है इधर से, तो ऐसा लगता है मतलब कुछ भी नहीं है आगे। जैसे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो लगता है इतना गहरा पानी, गहरी खाई, स्पीडी पानी। इधर या उधर दोबारा आप नहीं है केबिन, जब चल रहा हो तब केबिन के अंदर खड़ा होना मना है। केबिन के अंदर धूम्रपान निषेध है। केबिन के दरवाजा को जबरदस्ती खोलने का प्रयास ना करें,
शरीर का कोई अंश केबिन से बाहर ना निकले। मतलब इसमें विंडो भी है भाई, पिछले वाले में विंडो नहीं थी, इसमें विंडो है, लेकिन हमें विंडो से कोई ज़्यादा वो नहीं। और नीचे का व्यू कुछ इस प्रकार से है, वो है जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार वाटरफॉल, और भी इसके कई नाम होंगे, लेकिन हम इसे केवल दो नामों से ही जानते हैं। यहाँ पर हमारा समय काफ़ी अच्छा निकला, यहाँ पे खाली टोलियाँ जाती हुई और ये भरी हुई ट्रोली में हम बैठे हुए हैं। ये व्यू ऐसे है खतरनाक वाला। इस लेडी ने बहुत मज़े लिए यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मज़े लिए। मैगी नहीं खाने का बात करके भी इसने मैगी पूरी चेप दी। ये जाता है आगे नौका विहार की तरफ रास्ता, आप चाहें तो जा भी सकते हैं इस रास्ते से, लेकिन वो खतरों से खाली नहीं है। वहाँ तक तो आए थे शायद यार, यहाँ से जो नज़र आ रहा दिख, लेडी गागा वहाँ तक आए थे या उससे आगे थे। आप चाहे तो वहाँ से सफारी ले सकते हैं, मतलब ओपन जिप्सी आपको वहाँ उस पॉइंट से मिल जाएगी जहाँ से हम लोग अभी चढ़े हैं। मतलब ये गोपाला जो रेस्टोरेंट है उसके पास में ओपन सफारी मिलती है, वहाँ से आप इधर से होते हुए पूरा व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे तीन मेनली जो स्पॉट्स हैं वो हमने पहले, वो एक गाइड था जो बता रहा था, वहाँ पर देखे, उन तीनों व्यू पॉइंट पर आप सफारी की मदद से जा सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ इस साइड अगर आना चाहें तो इस रास्ते से अपनी गाड़ी लेकर के भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ गाड़ी लाने के मात्र 200 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, ये अलग से चार्ज होंगे। और आप रोप वे पे जाना चाहते हैं तो मात्र 95 रुपीज पर बंदा, पर व्यक्ति, पर पर्सन लगेगा, जो कि काफ़ी किफ़ायती है, आपको एक रोमांच भरा जर्नी, रोमांच भरी अनुभूति देगा। यहाँ पर अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो अच्छा होगा आप रोप वे से जाएं, क्योंकि रास्ते में भांति भांति प्रकार की, विभिन्न प्रकार की जो शॉप्स हैं उनसे आप आ सकते हैं। ये मेरे व्यूज नहीं है, ये इनके व्यूज है। सो फाइनली वी हैव लैंडेड अगेन आफ्टर अ ब्यूटीफुल जर्नी। और अभी हम वहीं पर आ गए जहाँ पे हम चढ़े थे। थैंक यू भैया। टेक्नोलॉजी है हमारी समझ के बाहर है और हम ना इसको समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी अच्छी बट मजबूत है। चलिए अभी ये रास्ता बाहर की तरफ जाता है। यहाँ से हम बाहर निकल गए हैं, यहाँ पर आप जब एंट्री करेंगे तो टिकट यहाँ पर मिलता है। का टाइमिंग 10:30 से 6 बजे शाम तक रहता है। वाओ। सो एग्जिट टाइम। अभी हमने ये पूरा धुआंधार वाटरफॉल देख लिया है। अभी हमारा नेक्स्ट प्लान है यहाँ से जो भेड़ाघाट में बोटिंग होती है वहाँ पर जाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भेड़ाघाट की बोटिंग में।